राजू भाई बाखिल हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जिन्होंने अपनी प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भले किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उन सभी से भी इनका आग्रह है कि आप सभी लोग इनको किसी न किसी रूप में सपोर्ट करें, भले लिखित में करें, कभी वहां पर बुलाए तो मीटिंग में जाकर करें, तो उनको उनकी जो समस्या है वो कहने के सरकार सुनेगी और उन समस्या पर अमल करेगी। एक बार पीछे से जो भी बंधु है सभी बैठ जाओ, एक बार आराम से बैठने की बहुत जगह है, छाया भी है, और बैठ जाओ, बैठ के आराम से सुनो। आप कितने घंटे खड़े रह सकते हो, तो उसके बाद में मैं हमारे सिरोही तहसील से पधारे वचना राम जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, जो समाज को अपने शब्दों से जागरूक करें और समय की नजाकत को देखते हुए थोड़ा लिमिट में निपटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय जोहार। एक बार आवाज तो थोड़ी बुलंद करो, अकेला बंदा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आज ये पटेल साहब है हमारे, हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शहीद स्थल, जो कि 100 साल पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने यहां जंग लड़ी, शहीद हुए अपने हकों के लिए। हक के लिए लड़े 100 साल हुए। मैं लगभग 15 साल पहले आया था वहां शिलालेख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र हील और आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारें आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन सरकारें ध्यान किन पर देती है? सिर्फ पैसे वालों या फिर बोलने वालों? अपन सिर्फ बोलते हैं लेकिन आवाज वहां तक नहीं पहुंचती जहां अपनी आवाज जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं संवैधानिक तरीके से, पहले तो एक क्या अपन लड़े लाठी से लड़ते थे, अब लाठी का जमाना नहीं है, अब कलम का जमाना है। किसका जमाना है? कलम का। आवाज ऐसी लगानी है, अपनी कलम ऐसे चले कि सरकार किसी की भी हो, राजस्थान में हो, केंद्र में हो, आवाज सरकार के कानों तक पहुंचानी होगी। हमें सरकार के प्रतिनिधि भी आज मौजूद हैं। मैं हमारे भाई साहब निंबा राम जी कांग्रेस से है, हमारे विधायक साहब राम प्रसाद जी बीजेपी से है, और भी यहां भी कोई बीजेपी के भी होंगे, लेकिन मेरा मानना है आप आवाज उठाएं, सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि आम आदमी वहां तक नहीं पहुंचा पाता। हमारी आवाज यहां से रोहिड़ा जाएगी, मैं अधिक से अधिक मैं सिरों तक ले जा सकता हूं, परंतु आवाज जब विधानसभा या संसद में जाएगी तब जाकर के अपनी बात वहां मानी जाएगी कि नहीं वहां दुकड़ा है। जब मुख्यमंत्री जी आकर के या शहीद इस बार का शिलान्यास करके गए, उस बात को आज 10-15 साल हो गए। हमारे यहाँ के अच्छे एमएलए संयम जी लोढ़ा साहब, यहाँ के हमारे समाराम जी ग्रासिया साहब,
इधर हमारे जगसीराम जी कोहली साहब, इनको भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार हमारे इस पिछड़े, आज मैं पिछड़े ही बोलूंगा क्योंकि आज दबे कुचले हैं, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण ही हमें कम से कम आज 15 साल हुए केवल शिलान्यास हुए हैं और जिस का तस पड़ा है। दूसरी बात तो बात की बात है, विकास की बात हम करते हैं, हम पंचायतों में जाते हैं, बहुत सारी खामियां मिलती हैं, लेकिन ये तो एक सब समाज का आज की तारीख में जब अग्रजों ने लड़ाई लड़ी है तो केवल आदिवासियों को ही अपन कह रहे हैं, लेकिन ये तो चिंगारी पूरे भारत के लिए लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? पूरे भारत के लिए लड़ी थी। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्ता बहुत पीछे है, और अंत में एक और जरूर कहूंगा कि जब हम यहां तक स्टेज पर आए हैं तो शिक्षा के माध्यम से आए, अपन पढ़े, बोलना सीखे, बोलना सीखे, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो यहां तक आए। हम भले अनपढ़ हैं, हम भले अनपढ़ हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, बच्चे बच्चियां दोनों में भेदभाव ना करें कि नहीं बच्चिया दादा हावरे पे जाई भणावे क्या करनू है, नहीं, बच्चों एक घर हंबाड़ी, बच्ची बे घर हंबाड़ी, शिक्षा रो बढ़ावा दियो तो आप आगे बढ़े ही दियो। अतो कह मैं मारी वाणी ने विराम दो, धन्यवाद साहब, खूब खूब जोहार वसनाराम जी भाई साहब ने। और अपने कार्यकर्ता लोग ध्यान दो, बीच में से बच्चे ये उठ के जा रहे हैं, एक बार बिठाओ उनको, व्यवस्था भंग मत करो, बिठाओ उनको अंदर, और जो बाहर खड़े उनको भी बिठाओ, यहाँ पर आए हो कुछ सुनकर जाओ, समझ कर जाओ, और उसको अपने गाइज आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल, और मैं हूं प्रकाश चंद्र भील। दोस्तों आप सभी का हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने मित्रों को एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।